ये कहानी है एक बड़े ही हुनरमंद कलाकार की, जिन्होंने हमेशा लोगों को अपने निभाए गए अभिनय से हमेशा लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरी और करोड़ों लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाई, जिन्हें हम सब अली के नाम से जानते हैं। जिस तरह बॉलीवुड में जॉनी लीवर, परेश रावल, कादर खान बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और अपने दमदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं, ठीक इसी तरह अली भी अपने शानदार अभिनय, अपने जबरदस्त कॉमेडी और अपने निराले अंदाज से न सिर्फ टॉलीवुड में बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर सन 1968 को राजा मुंद्री आंध्र प्रदेश में। इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनका नाम रखा गया मोहम्मद अली बाशा, जिनको हम सब अली के नाम से जानते हैं। दरअसल इनका नाम बाशा इनके पिता के नाम से लिया गया। इनके पिता का नाम रहा मोहम्मद बाशा और इनके पिता एक टेलर थे और इनकी माँ का नाम रहा जैतून बीबी। अली के एक छोटे भाई है जिनका नाम है कयूम, जो एक एक्टर है जो कई तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं। अली का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और इनके घर चलाने के लिए इनके पिता बड़ी ही मुशक्कत करते और बड़ी मुश्किलों से इनका गुजारा हो पाता, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से अली ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई कम्प्लीट की। बचपन ही से अली को फिल्में देखने का बेहद शौक रहा, जिस वजह से ये बचपन ही से छोटे मोटे ड्रामों में हिस्सा लिया करती। दोस्तों आपको बता दें कि अली ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, बात है 1978 के आसपास की। दरअसल अली के ड्रामा की एक्टिंग से प्रभावित होकर राजा मुंद्री के एक म्यूजिक कंपनी के मालिक ने अपनी लिंक के जरिए अली को एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक फिल्म में काम दिलवा दिया और ये फिल्म रही 1979 की फिल्म नंदू निरल्लू। इस फिल्म में अली पहली बार नजर आए थे। इस फिल्म में ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। इस वक्त उनकी उम्र मात्र 11 साल थी। इस फिल्म में काम करने के लिए अली को जो पैसे और इनके काम की तारीफ हुई, इस बात से अली काफी खुश हुए और उन्होंने मन बना लिया था कि अब ये सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग ही करेंगी। इस जमाने में जाने माने फिल्म डायरेक्टर भारती राजा को एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी। तभी उन्हें निंदू निरल्लू फिल्म में काम कर चुके अली का चेहरा याद आया और इसके बाद अली को चेन्नई बुलाया गया और डायरेक्टर भारती राजा ने उन्हें 1981 की फिल्म सीटा कोका किलाका में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में भी ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए थे। इस फिल्म के बाद बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने कमल हासन की फिल्म सौथी मुथ्यम और चिरंजीवी की फिल्म चंतब्बाई जैसी कई फिल्मों में काम किया। उसके बाद अली को बहुत सी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर लिया जाने लगा और उनका ये मासूम सा चेहरा इस जमाने में टॉलीवुड फिल्मों का एक जाना माना चेहरा बन गया और तकरीबन कई सालों तक ये बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करते रहे। जब ये बड़े हुए तो इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो कि हमेशा उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में लिया जाता था। और जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो फिल्मों में उनको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रोल मिलने बंद हो गए, लेकिन फिल्मों में काम करने की जिद्दोजहद उन्होंने जारी रखी और कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटते रहे। इसी दौरान बड़ी मुश्किल से उन्हें एक फिल्म मिल गई और ये फिल्म थी 1991 की फिल्म अपूला अप्पा राव। इस फिल्म में इनके साथ राजेंद्र प्रसाद और ब्रह्मानंदम जैसे एक्टर थे और इस फिल्म में ये ब्रह्मानंदम के साथ बड़ी ही जबरदस्त कॉमेडी करते नजर आए थे। ये फिल्म में अपना जबरदस्त अभिनय करती नजर आए, फिर भी उनको फिल्मों में ठीक से काम नहीं मिल रहा था। इसके बाद लगभग 3 साल बाद 1994 में नागार्जुन की फिल्म हेलो ब्रदर में नजर आए। इस फिल्म में इनके साथ ब्रह्मानंदम थे। इस फिल्म के बाद इनका सिक्का चल पड़ा और चला भी ऐसा कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और यमलीला, सुपर पुलिस, टॉप हीरो, अक्कुम बक्कुम, नंबर वन, पोखरी राजा, बिग बॉस, गनशॉट, पोखरी, जलसा, किक, गब्बर सिंह, सन ऑफ सत्यमूर्ति, ब्रूस ली द फाइटर जैसी कई फिल्मों में काम किया और ये लिस्ट बेहद लंबी है। आपको बता दें कि अली ने ब्रह्मानंदम के बाद सबसे ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अभी तक कुल 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और ये अपने वक्त के सभी साउथ के एक्टर एक्ट्रेस के साथ काम कर चुके हैं। ब्रह्मानंदम के बाद साउथ इंडियन फिल्मों में एज अ कॉमेडियन इन्हें ही सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और कई लोगों ने उन्हें ब्रह्मानंदम सर से भी कंपेयर किया, लेकिन आपको बता दे अली ब्रह्मानंदम सर को अपना गुरु, अपना मेंटोर मानते हैं। अली ने सिर्फ तेलुगु फिल्मों में ही काम नहीं किया बल्कि तमिल और कन्नड़ा फिल्मों में भी काम किया। बहुत से लोगों को लगता है कि अली ने आज तक एक भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन आपको बता दें 1991 की फिल्म प्रेम कैदी में ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा साल 1993 की गोविंदा की फिल्म मुकाबला में ये एक सीन में एक चोर का छोटा सा किरदार निभाते नजर आए थे। इसके अलावा सन 2005 की फिल्म शादी नंबर वन में भी नजर आए थे। आपको बता दें कि अली बाशा को अब तक कुल 4 अवार्ड मिल चुके हैं।
उन्हें 1981 में बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे नंदी अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 1996 में उन्हें नंदी स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। इसके अलावा सन 2005 की सुपर फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ बेस्ट कॉमेडियन से नवाजा गया। इनकी निजी जिंदगी की तरफ रुख करें तो पता चलता है इनकी शादी हुई थी 23 जनवरी सन 1994 में जुबेदा सुल्ताना बेगम से। इस शादी से उन्हें 4 बच्चे हैं, सुभान, फातिमा, रमीजुन और जवेरिया। आजकल ये फिल्मों में बहुत ही कम नजर आते हैं। इसकी सबसे खास वजह है पॉलिटिक्स। आजकल ये पॉलिटिक्स में पूरी तरह घुस चुके हैं, जिस वजह से आजकल ये फिल्मों में थोड़ा कम नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दें, जल्दी ये इसी साल द इम्पोर्टल प्रेसिडेंट नाम की फिल्म में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वाकई अली एक जबरदस्त एक्टर है जिन्होंने हमेशा दर्शकों को बहुत सारा मनोरंजन दिया और आगे भी इसी तरह मनोरंजन देते रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह की साउथ एक्टर एक्ट्रेस की बायोग्राफी और कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।